एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आई होप गाइज आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइज इतने टाइम बाद मिल रही हूँ तो मैंने कहा आज संडे स्पेशल है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और गाइज बहुत सफाई भी करनी है और अभी हो रहा है गाइज 7:39। तो गाइज मैं उठ चुकी हूँ, मैंने चाय पी दी थी और थोड़ी देर में नाश्ता भी करूँगी। और गाइज सबसे पहले तो आज मैंने बताया संडे स्पेशल ये है कि पहले सफाई करनी है। आज कब तक टाइम से हमने ठीक से सफाई नहीं की। और गाइस बाल भी ख़राब हो रहे हैं तो पहले ऑयल लगाऊंगी और ऑयल अप्लाई करने के बाद फिर हम सफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस को पहले ऑयल लगाते हैं बालों पे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बालों को कॉम करूंगी कि ताकि दो साइड्स लेंगे गाइस और ताकि ढंग से सुलझ जाए और ऑयल अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो गाइस दोनों साइड ऐसे निकाल के हम इनको अच्छे से कॉम करेंगे। काम करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑयल, वो भी सरसों का। और गाइस ये सरसों का ऑयल मम्मी ने भेजाया था घर से, प्योर सरसों का तेल है तो बचा के रखा हुआ था। और गाइस एक होता है ना गढ़वाल में मिलता है बाल छोरी, तो उसको अगर भिगो के रखेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, बट वो तो अब मिलता है नहीं। तो मम्मी ने कितने सरसों का तेल मंगवाया था तो मांग के हमको भी भेज दिया। तो हमने कहा चलो हम भी लगा देते हैं, अप्लाई किया बालों पे दोनों साइड से। और गैस इसको उसके बाद हम इसको अच्छे से बट लेंगे, टाइट टाइट ढीला ढीला बटेंगे। बालों में दर्द भी हो रहा है और गैस बहुत सारे बाल भी झड़ रहे हैं। और गैस उसके बाद दोबारा से उसमें हम कॉम कर लेंगे। तो दोनों साइड से मैंने अच्छे से लगा दिया था, अब हम उस पर कॉम करेंगे। देखो गैस बहुत सारे बाल भी टूट रहे हैं, क्या कर सकते हैं, टूट तो रहे हैं सबके बाल ऐसे क्योंकि मौसम भी थोड़ा अच्छा नहीं है तो इस वजह से। और गैस उसके बाद देखो इतने सारे बाल टूट रहे थे मेरे भी, बुरा भी लग रहा था गैस। और उसके बाद दोबारा से कॉम किया, फिर हमने यहाँ पे अपनी चुटिया को अच्छे से बट लेना है। और बटने के बाद उसका अच्छे से बटेंगे वो भी ढीला ढीला और पूरे नीचे तक दोनों साइड कॉम कर लिया दोबारा से। पता नहीं धूल भी लगी हुई थी गैस सर पे, इधर उधर मार्केट जाते टाइम पे हो जाता है ना। तो गैस फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कंघी कर दी दोनों साइड, फिर यहाँ पे हम बनाने लगे अपनी चोटी। तो यहाँ पे अच्छे से बटने के बाद गैस हम अपनी चोटी बना देंगे। चोटी पूरी बटने के बाद गैस हम उसको गोल गोल ऐसे चुट्टे बना देंगे ताकि अच्छे से अप्लाई रहे तेल और फिर मेरे बालों पे पूरे से ढंग से लग जाए। और गैस उसके बाद मैंने बटने के बाद यहाँ पे गोल गोल अपना चुट्टा बना दिया। ऐसा तो पहले बन नहीं रहा था, मैं परेशान हो गया, वो खुल गया। फिर दोबारा से मैंने इसको ऐसे करके ये घुमा के रख दिया। और उसके बाद गए दूसरे साइड भी सेम ऐसे बना दिया। लो 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट गो। और गैस बन गया। उसके बाद हमने यहाँ पे दोनों साइड बना दिया था सेम सेम, देखो कितनी प्यारी लग रही। और गैस उसके बाद करते हैं काम, लेट्स गो। और गैस यहाँ पे ये हो रही थी हालत रूम की, पहले मैंने थोड़ा कर लिया था, मैंने कहा बता देती हूँ आपको। और गैस कैमरा पकड़ने वाला कोई था नहीं तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले बता दो इतना सारा काम है। हो काम करने के बाद गैस देखो 1 2 3 स्टार्ट को। तो ये हो गया था हमारी सफाई, कैसा लग रहा है गैस कमेंट में बताना। ये हमारा छोटू सा रूम और स्टूडेंट रूम ऐसे होता है। और यहाँ पे ये मैंने वैसे ही रखा है स्टडी टेबल, पढ़ा तो कुछ है नहीं तब से सफाई कर रही हूँ। और गैस कैसा लग रहा है बताना कमेंट में। ओके तो ये रहा हमारा छोटा सा रूम, प्यारा सा रूम। देखो कितना गंदा और पता मैंने कैसे साफ कर लिया। और जाली भी धुली थी गैस, बहुत गंदी थी काफ़ी टाइम से, और संडे के दिन मौका मिलता है तो इसीलिए कर लिया। और गैस ये रहे हमारे यहाँ पे छोटे गिफ्ट्स वगैरह और क्या कुछ भी नहीं, ये हमारा छोटा सा रूम। और गैस अब तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब बनाते हैं खाना। और गाल बाल भी गीले और कहते गैस बहुत, चलो अब बनाते हैं खाना, लेट्स गो। और गैस यहाँ पे दीदी ने दाल चढ़ा के रखी हुई थी, मुझे छौंक मारना था। और यहाँ पे मैं काटूंगी अब अपनी सब्जी। तो गैस यहाँ पे मैं अपनी सब्जी काट रही थी, ऐसे भिंडी की सब्जी अच्छी होती है दाल चावल के साथ। गैस यहाँ पे मैंने अपनी भिंडी काट कर रही थी तो फटाक से ऐसा ऐसा कट करके। और गैस लेट भी हो रहा था और भूख भी बहुत तेज लग रही थी। वो मम्मी अब मेरी सब्जी कट गई, मैं यहाँ पे अनियन काटूंगी बड़ा बड़ा पीस में वो भिंडी के लिए, और छोटे छोटे पीस में काटूंगी दाल के लिए। तो गैस यहाँ पे कट गया था, यहाँ पे छोटे छोटे पीस के लिए काट रही हूँ मैं दाल के लिए। और वैसे मैं चाकू काम कर नहीं रहा था तो मैंने ऐसे में अप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद गैस यहाँ पे
मैंने टोमेटो को भी कट किया, दोनों सब्जी और दाल के लिए, वो भी फटक से कट हो गई। और गैस उसमें लग रहा होगा कि भिंडी के लिए ज़रा मोटे कट गए, और जल्दीबाजी में चाकू काम नहीं कर रहा ना, शायद नया लाना पड़ेगा। उसके बाद गैस हमने यहाँ पे ये कट कर लिया, और फिर यहाँ पे मैंने अपने अच्छे से सब्जी बना दी, यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई और ऑयल डाल दिया गर्म होने के बाद, गैस थोड़ा सा उसमें अनियन डाल दिया, और वो अच्छे से पकने के बाद जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक के लिए उनको पकाते हो, और फिर उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा टोमेटो। टोमेटो को भी अच्छे से पकने देना है। गैस यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला कि ताकि जल्दी से प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, और गैस उसके बाद यहाँ पर डाल दिया टोमेटो। टोमेटो को भी अच्छे से फ्राई किया, फ्राई करने के बाद गैस उसके मैंने थोड़ा सा डाल दिया उसमें, मैंने कहा क्यों ना आपको साथ साथ रेसिपी भी बता दूँ कि मैं कैसे भिंडी बनाती हूँ। और गैस उसमें डाल दिया मैंने जो भिंडी कट करी हुई थी, अच्छे से घुमा दिया उसको, और उसमें पूरा अच्छे से जो प्याज टमाटर का मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और उसको अच्छे से ढक दिया। हमें पानी वानी कुछ अप्लाई नहीं करना क्योंकि भिंडी में पानी को अप्लाई करके गंदी बन जाती है, और भिंडी में पानी ऑलरेडी होता था तो खुद ही पानी छोड़ दी थी। और गैस उसके बाद यहाँ पर देखिए तो हमारी भिंडी भी हल्की पक चुकी थी, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा मिक्स मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा नमक और डाल देंगे क्योंकि उस समय थोड़ा कम डाला था, अभी थोड़ा और डालेंगे तो अच्छे से टेस्ट आए। तो गैस लगभग हमारी सब्जी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, हम इसको अच्छे से मसाले को घुमा के भिंडी में कट रख देंगे, और गैस इसको थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा से ढकेंगे ताकि मसाला फिर से अच्छे से भर जाए। और गैस यहाँ पे हमारी भिंडी भी हो गई थी रेडी, और यहाँ पे हमने अपनी दाल रख दी, भिंडी को साइड करके हमने यहाँ पे अपनी दाल भी चढ़ा दी थी, और दाल को अच्छे से बॉयल होने देने, मम्मी बोलती है तभी टेस्ट आता है, और गैस यहाँ पे मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। और फिर मैं यहाँ पे चली गई अपने कपड़े डालने के, थोड़ा कपड़े फैलाते हैं, और गैस धूप भी थोड़ा अच्छी लग रही क्योंकि अब सर्दी आने वाली है ना, अच्छा लग रहा थोड़ा थोड़ा धूप, और बाल भी अभी की नहीं है, थोड़ा सुखाते हैं कपड़ों को धूप पर डालते हैं। But you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match, getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame, and it's fire. तो हे गैस खाना बन चुका है, अब खाना खाते हैं, और गैस थकान भी लग चुकी है बहुत ज़्यादा, और मेरे को नींद भी आ रही है, तो लेट्स गो खाना खाते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। तो गैस ये रही मेरी थाली, और अब खा के बताते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। यम्मी तो लग रहा है, अब खा के टेस्ट करते हैं। तो गैस खा के बताते हैं कैसा बना है। गाइस बहुत यम्मी हो रहा, बहुत ज्यादा लिटरली यार, मुझे नहीं पता था इतना अच्छा बनेगा। तो गैस खाना खा दिया था, और गाइस बहुत ही थकान लग रही थी यार, सच में ऐसे बोल रहा था कि कब सो जाऊं, और गैस सारा काम निपटाने के बाद खाने के बाद अब थोड़ा सोते हैं आराम करके, अच्छे से रिलैक्स हो गए। तो गैस बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। और गैस गैस उठने के बाद दीदी ने यहाँ पे बनाया था शाम पे पोहा स्नैक के साथ, और उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई हूँ एज यूजुअल। Fire, burning holes inside my brain, feel the fire.
तो गाइज आज दीदी ने खाने में बनाया था पनीर स्पेशल, तो उसके बाद सिंपल परांठे भी थे साथ में और संडे स्पेशल कुछ ना कुछ होना चाहिए। दिखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, अब खा के बताते हैं कि कैसा बनाया है। तो गाइज लेट्स गो। तो हे गाइस अब खा के बताते हैं कि कैसा हो रहा है, खा के बताते हैं गाइस कैसे हो। बहुत जबरदस्त लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।